दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सिल्वर और गोल्ड प्ले बटन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से और फोटोशॉप टच का यूज़ करके। तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक देखते रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके लिए यार आप सबसे पहले फोटोशॉप टच ओपन कर लीजिए और यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और 720x1000 पिक्सल का आपको रिजोल्यूशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली यहाँ पर ओके का बटन दिया गया है, इस ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं, अब सिंपली ऊपर वाले एंड का बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, फिल स्ट्रोक पर क्लिक कीजिएगा और सिंपली यहाँ पर कलर आप चेंज कीजिएगा, डार्क ग्रे रख लीजिएगा। ठीक है, अब डार्क ग्रे कलर रखने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगेगा। सिंपली राइट पर क्लिक कीजिए, फिर दोबारा एंड पर क्लिक कीजिए, फिल स्ट्रोक पर क्लिक कीजिए और यहाँ टाइप है इसे आप स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दीजिए। अब सिंपली यहाँ पर कलर ब्लैक कर दीजिए, फुल ब्लैक, और यहाँ विड्थ में आइए, आप थोड़ा जूम कर लीजिए और यहाँ विड्थ में आइएगा और फुल कर दीजिए इसे। अब यहाँ पर सिंपली राइट पर क्लिक कीजिए, यह हमारी फ्रेम बन के तैयार है। अभी और डिज़ाइनिंग करनी है, सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। और ये प्लस के बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ फ़ोटो लेयर, फ़ोटो लाइब्रेरी। अब सिंपली आपको यहाँ सिल्वर या फिर गोल्ड प्ले बटन की PNG लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर सिंपली इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, जिस तरह से मैं सिल्वर की बना रहा हूँ आप गोल्ड की भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ पर ये फिट करने के बाद आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ थैंक्स फॉर 2K+ सब्सक्राइबर, ये मैंने पहले बनाया हुआ है तो यहाँ पर ये इतना लिख दिया है मैंने, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब सिंपली यहाँ एडजस्ट करने के बाद राइट के बटन पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ राइट के बटन पर क्लिक करने के बाद सिंपली दोबारा एंड पर जाऊँगा और दोबारा टेक्स्ट पर सिलेक्ट करूँगा और सिंपली अपने चैनल के नेम यहाँ पर डालूँगा मैं। तो मैंने यहाँ पर FK टेक्निकल डाल दिया है। अब इसे डालने के बाद डन पर क्लिक करेंगे और जो फॉन्ट है उसे बोल्ड सिलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे ऊपर एडजस्ट कर देंगे सिल्वर प्ले बटन के नीचे और इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं सिंपली, और यहाँ पर इसे इतना कस्टमाइज कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पर राइट के बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे हमें यहाँ पर YouTube का लोगो लगाना है। तो सिंपली इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप सिंपली प्लस के बटन पर क्लिक कीजिए, फ़ोटो लाइब्रेरी पे जाइएगा और सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए इसे। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं सिंपली, अब यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेते हैं और एडजस्ट करने के बाद इसे छोटा कर लेता हूँ मैं और मिडिल में यहाँ पर फिक्स कर दूँगा, राइट पर क्लिक करता हूँ। अब इस वाले पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन पर सिंपली सेलेक्ट पिक्सल कर लेंगे और यहाँ पर कलर फिल स्ट्रोक पर जाएंगे और लाइट ग्रे कलर सिलेक्ट कर लेंगे। लाइट ग्रे कलर सिलेक्ट करने के बाद राइट पर क्लिक करेंगे, ये बन के तैयार है। यहाँ पर सिंपली यहाँ ऊपर कोने में डन के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे और सेव करने के बाद यहाँ पर शेयर के बटन पर क्लिक, सेव टू गैलरी पर क्लिक, JPG को PNG में चेंज और यहाँ अपने जो है सिल्वर प्ले बटन को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, ये सेव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।